Hello everyone, welcome to Global Online. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NTUGCNET 2024. In this session, we will discuss about political science and unit 5, that is international relations. ठीक है, तो आज के session में आज हम unit 5 international relation में conflict and peace के बारे में, यानी संघर्ष तथा शांति जो भी है उनके बारे में आज हम preparation through MCQs देखेंगे. ठीक है, इसके साथ ही हम देख लें कि unit 5 international relations है, conflict and peace है, इनमें कौन कौन से चीज़ें मौजूद है. तो यहाँ पर देख सकते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, डेटरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है. इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही जो भी प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वही आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर एसर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर हमें एक दावा दिया होता है, कारण दिया होता है, वह असर्शन रीजन जो भी रहते हैं वह करेक्ट है कि नहीं, और जो भी असर्शन है वही रीजन है क्या इस स्टेटमेंट का, इसके साथ ये आंसर देना है. ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वह हर बार पूछे जाते हैं UGC NTA नेट के लिए. ठीक है, तो हम देखते हैं असर्शन क्या दिया हुआ है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट्स ऑफ वॉर. ठीक है, यार आपको वॉर के बारे में बताया, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि आधुनिक तकनीक युद्ध का महत्व और उसकी धमकियों इसे बढ़ाती है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट है, असर्शन है. ठीक है, रीजन क्या है इनका, तो वॉर नो लॉन्गर इज अ जस्ट कंटेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज अ मोर कंटेस्ट ऑफ नर्व एंड रिस्क टेकिंग. यानी युद्ध अब केवल ताकत एक प्रतियोगिता नहीं रहा है, बल्कि वह अधिक घबराहट और जोखिम उठाने की एक क्या हुआ कंटेस्ट हो गया है. इसी कारण जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हांस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट, ऐसा है कि नहीं, इसी कारण ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, यहाँ पर हमें देखना है. यहाँ पर कोड कौन कौन से दिए हुए देख लेंगे. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो भी रीजन दिया हुआ है, आर यानी रीजन दिया हुआ है, वही रीजन ए का यानी स्टेटमेंट का असर्शन का क्या है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, यही हमें ए सेंटेंस में बताया है. ठीक है, बी में क्या बताया, ए ऑप्शन में बताया है, बी में क्या बताया, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं और सही रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन ए का. ठीक है, सी में क्या दिया हुआ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड लास्ट वन इज दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. यानी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, एक्सर्शन जो दिया हुआ है, फॉल्स है और रीजन है ट्रू है. तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इनको सॉल्व कैसे करने का. ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे, जब भी स्टेटमेंट दिया होता है, जब भी रीजन दिया होता है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वही उनका रीजन है कि नहीं, ये हमें टैली करके देखना है. कैसे देखना है, जो भी हम देखते हैं कि आधुनिक तकनीक युद्ध का महत्व और उसकी धमकियां इसे बढ़ाती है, क्योंकि कारण युद्ध अब केवल ताकत ही एक प्रतियोगिता नहीं रहा है, बल्कि वह क्या है, अधिक घबराहट और जोखिम उठाने की प्रतियोगिता रही है. इसी कारण यह स्टेटमेंट, यह रीजन जो है, यह स्टेटमेंट का क्या होता है, रीजन सही होता है. तो इसी कारण जो भी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसके साथ ही इसका आंसर जो आंसर इज दैट ए है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमारे सिलेबस में दिया ही हुआ है कि जो भी चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर दिया हुआ है, उनके साथ ही यह क्वेश्चन पूछा गया था. कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट इज एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. देन स्टडिंग कॉन्फ्लिक्ट कैन हेल्प देम डेवलप अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. नेशंस ऑपरेट्स इन इंटरनेशनल एरियन हुज एनवायरमेंट कैरेक्टर्स बाय कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर कैसा रहा है. तो यहाँ पर सिंस द कंसेप्ट ऑफ आर्मी वॉज इंट्रोड्यूस, वॉर्स हैव इंक्रीज इंटेंसिटी, अल्सो द ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ बैटल्स हैव अल्सो इंक्रीज इन द रिसेंट टाइम, दैट्स रीजन द चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर. ठीक है, थर्ड वन इज दैट द एरिया अफेक्टेड बाय द मॉडर्न वॉर्स हैज also expanded, this is to better technology and advanced means of transportation. Civilians feels more involved in war these days than in earlier days. Also this one is correct. Also modern wars involves more nations, more people than in the previous centuries. Compared to earlier wars, modern wars are fought throughout the year. In this region we have seen that the changing nature of war is completely changing. ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं NTUGC NET पॉलिटिकल साइंस इज
कंप्लीट कोर्स के लिए ग्लोबल अनलाइन हम आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी हाईलाइट्स है हमारे यह कोर्स की, तो देख सकते हैं। डेली लाइव लेक्चर्स रहेगी, सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस लाइव लेक्चर्स रहेगी, साथ ही फुल सिलेबस नोट्स भी आपको अवेलेबल करके देंगे। दोनों माध्यमों से, दोनों मीडियम में से, यानी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में से आपको डाउनलोडेबल जो भी पीडीएफ है वही फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड कर दें। साथ ही मॉक टेस्ट रहेगी, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। लैपटॉप और वेब भी रहेगा। एक कम्प्लीटली न्यू बैच है जो भी जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं, साथ ही दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बैच है। 3 जून 2024 से स्टार्ट होने वाली है, और जो भी दिसंबर के लिए, साथ ही जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही इनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी है 10,000 रुपीज़, लेकिन तो आपके लिए 20% डिस्काउंट रहेगा, कम्प्लीटली 8,000 रहेगी। इन 8,000 में आप जब भी पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन लेंगे, इनके साथ ही आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पेपर फर्स्ट भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, यानी गेट पेपर फर्स्ट कम्प्लीटली फ्री विथ पेपर सेकंड। इसके लिए एक नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में जाकर जो हमारा ऐप है वही डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यह फर्स्ट पेज दिखेंगे, फर्स्ट पेज में स्टोर्स में आपको अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे। माय कोर्सेज में जाकर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस टाइप करते हो तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू कंटेंट लाइव क्लासेज दिखाई देंगे, डेली लाइव लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीटली सिलेबस नोट्स रहेगी, सिलेबस मॉक टेस्ट रहेगी, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद टेस्ट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। उनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2024 का पूरा ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगा। जब भी आप इसके लिए एडमिशन लेंगे तो आपका ड्यूरेशन पूरा 1 ईयर तक, यानी दोनों एग्जाम के लिए आपको यह फायदेमंद रहेगा। इसीलिए जल्द ही आज ही आपका नंबर, आपका सीट जो है रिजर्व करके रखिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हु सेड द पावर टू हर्ट इज नथिंग न्यू इन वॉरफेयर, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हांस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट्स ऑफ वॉर एज अ टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बार्गेनिंग एंड इमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किसने कहा है कि युद्ध में चोट पहुँचाने की शक्ति कोई नई बात नहीं, लेकिन आधुनिक तकनीक सौदेबाजी और धमकी के प्रभाव की तकनीक के रूप में युद्ध और युद्ध की जो भी धमकियों के महत्व क्या करती है, बढ़ाती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है यहाँ पर हमें पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो है यहाँ पर पूछा गया, या ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वही हमें थिंकर के बारे में, इनके स्टेटमेंट रहे, बुक्स रहे वह, और उनके थॉट रहे, जो मिडल थीम रहे वह हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए बर्नार्ड ब्रॉन्टी, माइकल हॉफमैन, थॉमस शेलिंग और एशले टेलिस। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो भी इनके साथ बताए हुए, तो थॉमस शेलिंग ने इस सेंटेंस कौन दौरा है, ठीक है। इसके साथ इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी है, जो भी थॉमस कॉम्बी शेलिंग जो है वह अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल स्ट्रेटेजी, आर्म्स कंट्रोल, ऑल्सो ही वॉज अवॉर्डेड 2005 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक साइंस में इनको क्या किया है, नोबेल प्राइज अवॉर्ड किया है। साथ ही हैविंग इनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लीट एंड कॉपरेशन थ्रू गेम थ्योरी एनालिसिस में भी उनको क्या किया है, जो भी नोबेल प्राइज लिया हुए। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इनके बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन शेलिंग व्यूज। व्हाट इज द व्यूज ऑफ दिस शेलिंग, इट इज नॉट इनफ टू डिफीट यूअर अपोनेंट, इंस्टेड वन शुड टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कोलेबोरेशन, एंड इन मेनी केसेज देर आर मेनी ही यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ अ वॉर एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन टू इलस्ट्रेट दैट ओनली ऑन रेयर ओकेशन नोन एज प्योर कॉन्फ्लिक्ट विल द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट द इम्प्लिसिटी अपोजर। ऑल्सो ही हैज ऑल्सो शेयर्ड कोऑपरेशन वेयर अवेलेबल कैन टेक मेनी फॉर्म्स ऑफ दिस, पोटेंशियली इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम डेटरेंस, लिमिटेड वॉर एंड डिसआर्मेमेंट टू निगोशिएशन एंड अनदर बार्गेनिंग सिचुएशन। बार्गेनिंग सिचुएशन दैट इज बार्गेनिंग इज द बेस्ट थॉट ऑफ एंड टर्म्स ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट, सिंस एनी बेनिफिट्स वन मे रियलाइज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर अपोनेंट चॉइस और डिसीजन। दैट इज द, वो भी उन्होंने जो पावर के बारे में जो स्टेटमेंट कहा हुआ है, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर एंड ट्रेड्स ऑफ वॉर एज अ टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंस बार्गेनिंग एंड इमिटेशन, यही हमें थॉमस क्रॉम्बी शेलिंग के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डेटन पैरिस अकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर डेटन पैरिस अकॉर्ड क्या है, डेटन पैरिस समझौता का महत्व क्या है, यहाँ पर हमें पूछा गया, ठीक है। वह क्या है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड है,
ट्रांसफर ऑफ स्पैनिश एंड पोर्टुगीज कॉलोनियल पोजेशन इन 1966 है। देन लास्ट वन इज दैट एंडिंग द यूगोस्लाव वॉर्स एंड डिवीजन ऑफ बोस्निया इनटू लीगलाइज बोस्निया क्रोएट सब एंटिटीज इन 1995। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटन पेरिस एक्ट जो भी हुआ है, डेटन पेरिस समझौता जो भी हो किसके बारे में और किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जी इन द डेटन एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ बोस्निया क्रोएशिया सर्बिया साइन अ पीस एक्ट ऑन नवंबर 21, 1995 में, जो भी बोस्निया क्रोएशिया और सर्बिया ने साइन किया हुआ है किसके लिए, पीस एक्ट के लिए, एंडिंग द वॉर ऑफ बोस्निया आउटलाइंग द जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर बोस्निया दिया हुआ है जो भी एंडिंग वॉर जो हो गए इनके साथ, जो क्रोशिया सर्बिया ने क्या किया पीस के लिए साइन किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी दिया हुआ है डेटन पेरिस एक्ट जो भी महत्व है समझौता है वह किसके बारे में है, तो एंडिंग ऑफ द यूगोस्लाव वॉर्स एंड डिवीजन ऑफ बोस्निया इसके बारे में वहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर जो है आंसर इज दैट डी है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं इनका एक्सप्लेनेशन, इट प्रिजर्व बोस्निया एज अ सिंगल स्टेट मेड अप द टू पार्ट द बोस्निया क्रोएट फेडरेशन बोस्निया सब रिपब्लिक वर वॉर ब्रोक आउट ऑफ द फार्मर यूगोस्लाव इन द अर्ली 1990s आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द यूगोस्लाव फेडरेशन विच इंक्लूडेड बोस्निया क्रोएशिया मोंटेगू सर्बिया एंड स्लोवेनिया। आफ्टर क्रोएशियन बोस्निया हर्जेगोविना डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूगोस्लाविया एथनिक सर्ब्स अपोज टू द ब्रेकअप सब डोमिनेटेड यूगोस्लाव लैंड एंड आर्म स्ट्रगल टू द क्रिएट इंडिपेंडेंट सब कंट्रोल टेरिटरीज इन बोथ एरिया। इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ डेटन पेरिस अकॉर्ड दैट इज द एंडिंग द यूगोस्लाव वॉर्स एंड डिविजन ऑफ बोस्निया इनटू लीगलाइज्ड बोस्निया। ठीक, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स। यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का क्या नहीं है, साधन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमें बताया गया हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी पूछा गया इनमें क्या करना है, राउंड करना है या अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेडिटेशन है जो भी शांतिपूर्ण के लिए मेडिटेशन अच्छा रहता है लगता है मध्यस्थता मेडिएटेशन सॉरी मध्यस्थता उसे कहते हैं। सैंक्शन होता है प्रतिबंध करना, एडजेक्शन होता है निर्णय लेना और गुड ऑफिसर यानी अच्छे कार्य। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान का साधन नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान का साधन कौन कौन से वस्तुएं होती है, कौन कौन से गोष्ठी इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यूएन चार्टर ने प्रोवाइड की हुई लिस्ट है पैसिफिक मेथड्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में आर्टिकल 33 में है मौजूद है यूएन चार्टर में। वहाँ पर कौन कौन से इंक्लूडिंग रहते हैं, तो निगोशिएशन रहता है, निगोशिएशन इंक्वायरीज रहते हैं, मीडिएशन रहता है, ठीक है, यहाँ पर कंसिलिएशन रहता है, एडजेक्शन रहता है, ओके, देन जुडिशियल सेटलमेंट रहती है, गुड ऑफिसेस भी इनके में मौजूद होते हैं, लेकिन सैंक्शन जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता। इसी कारण जो भी आर्टिकल 33 यूएन चार्टर के अनुसार जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहाँ पर इंक्लूडिंग जो रहेंगे वहाँ पर जो रीजनल अरेंजमेंट के लिए एंड एडॉप्शन ऑफ रीजनल अरेंजमेंट रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट इन आर्टिकल 371 में भी पार्टीज ऑब्लिगेशन के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर सैंक्शन के यानी प्रतिबंध के बारे में कोई भी ऐसा समाधान करने का शांतिपूर्ण समाधान का साधन नहीं बताया गया है, इसी कारण इनका जो आंसर है आंसर इज दैट बी है। ठीक है, इसके साथ इसका आंसर है बी है जो सैंक्शन के बारे में नहीं बताया। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैड फर्स्ट प्रपोज द एटम्स फॉर पीस प्लान इन 1953। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया कि 1953 में सबसे पहले शांति के लिए परमाणु योजना का प्रस्ताव किसने दिया था। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि परमाणु योजना यानी एटम्स फॉर पीस प्लान जो है यह किन थिंकर ने यह प्लान बताया था, हु इज द फर्स्ट प्रपोज द 1953। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एटम फॉर पीस रिचर्ड निक्सन है, हैरी ट्रूमन है, ड्वाइट इशनोहर है, आइजनवर है, जॉन केनेडी है। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि किसने यह हमें बात बताई गई है कि द फर्स्ट प्रपोज द एटम फॉर पीस प्लान फॉर इन 1953। तो यहाँ पर एटम्स फॉर पीस वॉज अ टाइटल ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनवर टू द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन डिसम्बर 8 को। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है वही ड्वाइट इशनोवर आइजनवर इसे कहते हैं उन्होंने दिया था। एटम फॉर पीस वॉज अ प्रोपोगंडा एलिमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर डिटरेंस
स्ट्रैटेजी उन्होंने कहा है, तो उनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी दैट इज द ड्वाइट आइजनवर हैड द फर्स्ट प्रपोज द एटम फॉर पीस प्लान इन द 1953। ठीक है, इसके साथ ही हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर एटम्स फॉर पीस वॉज द प्रोपोन एलिमेंट्स ऑफ द कोल्ड वॉर डिटरेंट स्ट्रैटेजी। आइजनवर स्पीच ओपन अ मीडिया कैंपेन दैट वुड लास्ट फॉर ईयर्स एंड एम एट इमोशन मैनेजमेंट के बारे में कहा, देन प्रोमिसिंग द पीसफुल यूज ऑफ यूरेनियम अमाइड फियर्स टू कंटिन्यू न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ द फ्यूचर। द स्पीच वॉज अ टाइपिंग point in international focus on the peaceful uses of nuclear energy even at the beginning in the cold war. J. Aishnwar perhaps with the some influences from the Robert Oppenheimer was trying to convey a spiritually forward arrived after the Hiroshima and Nagasaki and the nuclear tests of the early 1950. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी एटम फॉर पीस के बारे में जो टाइटल ऑफ स्पीच डिलीवर किया है वही यूएस प्रेसिडेंट है आइजनवर टू द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी दिसंबर 8, 1953 है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर हमें बार बार कहना पड़ता है कि हमें देखना है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं उनके बारे में हमें थॉट बता देते हैं, थीम के बारे में बता देते हैं, साथ ही उन्होंने कौन कौन सी बुक्स ऑथर किए, यानी ऑथर ऑफ बुक कौन है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछे गए, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स किसका है, तो यहाँ पर हमें हमारे जो भी नोटबुक रहेगी अलग सी जो भी बुक एंड ऑथर के लिए हम छोटी सी नोटबुक रखेंगे वहाँ पर हम क्या करके नोट डाउन करके लिखेंगे और रोज़ हर रोज़ ये क्या करेंगे पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना, यानी जब भी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो आपको ये इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते थे कि डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स किसने लिखा है, कोरल बेल, जॉर्ज केनन, हेनरी किसिंजर या ईएच कार ने लिखा है। तो यह टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें मालूम होना चाहिए, इनके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहती, लेकिन डिप्लोमेसी ऑफ डेटान्स जो भी लिखा है वही कोरल बेल ने लिखा हुआ है। ठीक है, किसने लिखा है, कोरल बेल ने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो आंसर इज दैट ए है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which of the following pairs is not matched correctly? ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया, pairs पूछा गया और not correctly पूछा गया। ठीक है, not यह भी previous years का question है, हमें पिछले session में भी यह question देख लिया था क्योंकि यहाँ पर deterrence है और यूएन पीस कीपिंग कीपिंग के बारे में देख ले, पावर के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आंसर मालूम ही होना चाहिए यहाँ पर कि क्या है, लेकिन सिलेबस के बारे में इस जो भी आज का सेशन इसके बारे में था इसलिए वह दोबारा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शक्ति संतुलन है, निरोध है या निर्धारण है, सामूहिक सुरक्षा है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना है। तो यहाँ पर जो पर बताया गया है कि नॉट करेक्ट हमें पूछा गया, नॉट करेक्ट ये मैच पूछा गया है। ठीक है, दोस्तों बैलेंस ऑफ पावर के बारे में हमने बताया कि मेकिंग अलायंसेज यानी गठबंधन बनाना यानी शक्ति संतुलन, ये तो ये सही है। निरोध यानी डेटरेंस के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हमने बताया था, ये भी सही है। देन सामूहिक सुरक्षा किसके लिए तो होते थे, आइसोलेटिंग द एग्रेसर यानी हमलावर को अलग थलग करने के लिए सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना जो है तो आक्रमणकारी के साथ युद्ध की नहीं, यहाँ पर दो वर्ड जो है वही अपोजिट यहाँ पर दिखाई देते। जब भी आपको आंसर नहीं मालूम होता तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है और कॉमन सेंस के यूज करने के बाद आपको पता ही चलता है कि यूएन पीस कीपिंग रखे हुए तो वॉर विद एग्रेसर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जो ये जो ऑप्शन है वही हम क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं, और इलिमिनेट करने के बाद जो भी आंसर रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही इसका आंसर है, आंसर इज दैट डी हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थ्री शोल्ड टेस्ट बैंड ट्रीटी। यह हमें प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे लिए पूछा गया है कि थ्री शोल्ड जो भी टेस्ट बैंड ट्रीटी है वही क्या है। ठीक है, थ्री शोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, यहाँ पर हमें जो पूछा गया मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पर हमें, मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया जो भी थ्री शोल्ड टेस्ट बैंड ट्रीटी के बारे में। तो फर्स्ट वन इज दैट बैन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी टू द नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया, तो यह एक स्थान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध गैर परमाणु के लिए प्रौद्योगिक रहेगा जो भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स रहेंगे। ठीक है,
साथ ही बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट, परमाणु के हस्तांतरण पर प्रतिबंध गैर राज्यों को प्रतियोगिता करने के लिए, यानी बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू अनदर, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट, नहीं, बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट हैविंग अ यील्ड ऑफ मोर देन 100 किलोटन्स, ओके, देन बैन ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हैविंग यील्ड ऑफ मोर देन 150 किलोटन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हैविंग अ यील्ड है, लेकिन अंडरग्राउंड है जो वह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी थ्री शोल्ड ट्रीटी के बारे में बताया गया था, जो भी 1974 में हुआ है थ्री शोल्ड ट्रीटी, ठीक है, तो ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है, वह सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्री शोल्ड ट्रीटी जो हुई है वह अंडरग्राउंड हुई है, ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट और कितने किलो टन्स की है वह 150 किलोटन्स, मोर देन 150 किलोटन्स के बारे में बताया गया था। द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑल्सो नोन एज द थ्री शोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी टीटी बीटी भी इसे कहते हैं, वॉज साइन बाय जून साइन बाय जुलाई 1974 है, दैट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, इट इस्टेब्लिशेज अ न्यूक्लियर थ्री शोल्ड आफ्टर मार्च 1976 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर जो रहेगा वही जो अंडरग्राउंड के बारे में कहता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आंसर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो इसी का आंसर हो सकता है डी है, तो आंसर इज दैट डी है। तो हम देख सकते हैं कि थ्री शोल्ड क्या है, तो थ्री शोल्ड इज ए मिलिट्री सिग्निफिकेंस बिकॉज इट्स इलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग न्यू और एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स बियॉन्ड द फ्रैक्शनल मेगाटन्स रेंज। इन द 1960 बोथ कंट्रीज कंडक्टेड टेस्ट ऑफ मोर देन 150 किलोटन, म्यूचुअल रेस्ट्रेंट इम्पोज बाय द ट्रीटी रिड्यूस एक्सप्लोसिव पावर ऑफ न्यू न्यूक्लियर वॉरशेड्स एंड बॉम्ब्स दैट कूड अदरवाइज बी टेस्टेड फॉर वेपन सिस्टम। Of particularly importance was the relationship between the explosive power and first strike capability of reliable tested warheads. The threshold test ban treaty was agreed upon a summit meeting in Moscow in July 1974. Which यहाँ पर भी ये बीट हो सकती है, ठीक है, the threshold test ban treaty was agreed upon a summit meeting on Moscow in July 1974, ठीक है, यहाँ पर हमें बताना चाहिए कि जो भी यहाँ पर बिट्स छूटते हैं इसे क्या करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर भी फिर से हमें पूछा गई, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लिस्ट फर्स्ट देती है, लिस्ट सेकंड है, थेरीज है, थिंकर्स है, थॉट्स है, बुक्स है, आर्गूमेंट आइडियाज, ओके, थीम है, ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार पूछे गए, तो इसमें ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो मैथ से लिस्ट फर्स्ट जो भी थेरिस्ट के बारे में है, सिद्धांतकारों के बारे में बताए, देन लिस्ट सेकंड जो है वही हमें आइडियाज और आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया, ठीक है, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट लिस्ट में थेरिस्ट दिया, सेकंड लिस्ट में उनके आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स है उनके बारे में बताया गया, ठीक है। फर्स्ट जो है विंसेंट ऑस्ट्रोम है, डेविड ईस्टर्न है, एफ डब्ल्यू रिक्स है और मैरी पार्केट फुलेट है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो भी थेरीज है इनके बारे में बताया गया, ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस द आइडियाज ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये हमने पिछले सेशन में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल, देन क्रिटिक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, देन कंसीव ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज एन आउटपुट ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसके बारे में बताया था, यानी कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था किसके बारे में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव जो भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव वह डेविड ईस्टर्न की रहती है, ठीक है, डेविड ईस्टर्न ने इसके बारे में बताया गया था। एक मिनट, सॉरी, ये फॉलेट के बारे में हमने बताया था कि मैरी पार्कर फॉलेट जो है उन्होंने कंस्ट्रक्टिव फॉलेट के बारे में बताया था। इसमें जो हम डी देख ले तो इसमें तो डी कहाँ पर आता है, यानी डी को फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, डी को फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड में आता है, तो यहाँ पर आंसर बी हो सकते हैं। एक हमारी एक टेक्निक है, ऐसे ऐसा एक जो भी ऑप्शन आपको मालूम होता है यहाँ पर आपको
जो भी करेक्ट आंसर इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, आंसर जो भी हो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी देख ले, डेविड ईस्टन किसके बारे में कहते हैं, डेविड ईस्टन के बारे में जो भी बात करते हैं तो वह पब्लिक पॉलिसी एज एन आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो कंसेप्ट है वो डेविड ईस्टन के है, ये भी हमें पता हो तो इसके साथ ही हमें आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। बी को फोर देख लेते, बी को फोर कहा था ये, यहाँ पर हम देख सकते कि एक ईजी यहाँ हमें ऐसा लगता है, और एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए होते हैं वो बार बार या डबल नहीं देते, तो यहाँ पर हम एक एक जो भी ऑप्शन मालूम होता हम क्या करते हैं, जो भी सही ऑप्शन सही आंसर इन इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके बात पर हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमें मालूम होना चाहिए एक भी थिंकर के बारे में, अभी पूरी जानकारी से मालूम हो तो आप जो भी सही जवाब है इनके पास हम क्या करते हैं पहुंच सकते हैं, ठीक है। के साथ ही इसका जो आंसर है, आंसर इज दैट बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट, यही भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें लिस्ट फर्स्ट दी है, यहाँ पर लिस्ट सेकंड भी दी है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, यहाँ पर फिर से हमें मॉडल सीरीज के बारे में बताया और ऑथर्स के बारे में बताया, ये पूरा वाइस वर्सा किया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिस्ट फर्स्ट बिलो गिव सम मॉडल थेरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड लिस्ट सेकंड गिव द ऑथर ऑफ द मॉडल थेरी, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच सेकंड लिस्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में हमें क्या दिया है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन दिया है, फोर वर्ड्स मॉडल का है, रिलेटिव डिप्रावेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो भी थिंकर जो भी ऑथर से मॉडल से ये जो भी ऑथर से लेखक के उनके बारे में यह ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थेरीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीट प्रिवेंशन किसके बारे में कहा है, तो जॉन बर्टन के बारे में कहा है, देन फोर वर्ल्ड मॉडल जो है तो सैंडल के बारे में है, ठीक है। दो वर्ल्ड मॉडल जो है उन्होंने सैंडल के बारे में कहा है, ये रिलेटिव डिप्रेवेशन किसके बारे, रिलेटिव डिप्रेवेशन है रॉबर्ट गूड के बारे में कहा है, रॉबर्ट गूड के बारे में। और कॉम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कंसेप्ट है, कॉम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो कंसेप्ट रही है वह जॉन गल्टन यानी गाल्टन भी उसे कहते हैं, उन्होंने वह क्या कही है दोहराई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संघर्ष निवारण, चार विश्व मॉडल, सापेक्ष अभाव, संघर्ष परिवर्तन के जो भी इनके सिद्धांत में युद्ध नियोजन के जो भी मॉडल्स है, वही जो ऑथर्स है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिजर्वेशन किसके बारे में बताया गया है, जो भी थिंकर्स रहेंगे। तो इसका आंसर जो है, तो आंसर इज दैट बी है, जो इनके बारे में जो भी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के दोहराए थेरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑथर के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है, ठीक है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार जो भी हमारे एग्जाम में इन्हें पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी एक से एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी आप यूज कर सके तो हमारा क्या हो सकता है कि हमारा स्टडी जो है पूरा होता है। लेकिन प्रेशर के बारे में एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको थोड़ी सी घबराहट रहती कि ये क्वेश्चन और मुझे पता ही नहीं, और मुझे कुछ याद भी नहीं है इनमें, यह जो क्वेश्चन है यह जो कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ी ही नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, पूरे के पूरा पेपर जो रहेगा पूरा क्वेश्चन आपके लिए न्यू रहेगा, तो कोई बात नहीं। जो भी आपको कॉन्शियस माइंड में आपका जब भी आपने स्टडी किया होगा शांत मन से आपको क्या करना है हुआ तो जो भी रिवाइज करना है, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन का जो भी सही गलत, और आपको जो भी कॉन्शियस माइंड को लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन का जो उत्तर है यह सही है, ये आप क्या कर सकते हैं उसे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और ऐसे करने से जो भी हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जरूरत से ज़्यादा ही हम क्या कर सकते हैं सही आंसर तक पर हम पहुंच सकते हैं। यही भी एक टेक्निक है, ये हमें एग्जाम के बारे में यानी एग्जाम के हॉल में जाते समय ये टेक्निक जो है हमें क्या करनी है यूज़ करनी है। किसी को भी एग्जाम के बारे में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है हमारा वह बिल्कुल ही साफ और बिल्कुल ही शांत रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके साथ ही क्योंकि आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और कोई आपकी सजेशन शिकायत और कोई कमेंट्स हो वही भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। उसके साथ ही हमारा जो चैनल है उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है ये मुझे मुझे ज़रूर लिखना, और आगे कंटिन्यू करने के लिए आप
आप करने के लिए आप इच्छुक है तो एस कहकर भी आपको कह सकते या कंटिन्यू करो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आज का सेशन आप यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।